Welcome everyone. I'm Karan, your maths mentor. And today our topic is definite integral. And here we'll talk about especially area bounded by curves. And to find out area enclosed by such curves that could be of y is equal to f of x or x is equal to f of y. Or either there could be a two curves and we have to find out area shaded by two curves. So I will use a technique, I will use a method, and that is a strip method. Okay, so and that method is really helpful to solve out each and every question related to area bounded by curves. So guys, let's start our concept of area bounded by curves. So सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि हमारे पास अगर function given हो कैसा y is equal to fx की form में. Here you can see on screen that there is a function that y is equal to f of x. See, अगर आपको कोई function given है और वो कैसा है y is equal to fx की form में है, तो हमेशा कोई भी जो function होता है, like every function और every algebraic equation always represent a curve. तो उसी तरीके से ये जो equation है, ये भी एक curve को represent कर रही है. तो हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम एक स्ट्रिप को यूज करने वाले हैं और यहां पे जो मैंने dx की फॉर्म में एक स्ट्रिप ली है, यानी कि dx इज अ, आप मान के चलिए दैट द मिनिमम विड्थ. ओके, हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिप बनाई. जो स्ट्रिप क्या करेगी, वो स्ट्रिप जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जो भी रीजन हमारा बनने वाला है, उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्ट्रिप का यूज करते हैं. नाउ यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रिप. और वो स्ट्रिप क्या करने वाली डियर, ये स्ट्रिप क्या करेगी, दिस स्ट्रिप विल मूव फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन. बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक का एरिया कैलकुलेट करना है ना. तो आप क्या कीजिए, आप इस स्ट्रिप को मूव कीजिए. ये स्ट्रिप मूव करेगी इधर एंड देन दिस साइड. तो यहां से लेके यहां तक जब ये स्ट्रिप मूव करेगी और इस कर्व के अंडर मूव करेगी, इस कर्व के अलोंग मूव करेगी, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो ये आपको टोटल नीचे पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट का एरिया कैलकुलेशन मिलेगी. ओके, तो मेथड हमारे पास क्या बनने गया है एरिया फाइंड आउट करने का, दैट एरिया इज इक्वल टू बाय द स्ट्रिप मेथड. जो भी आपकी स्ट्रिप होगी, और यहां मैं बात कर रहा हूं कौन सी स्ट्रिप की, वर्टिकल स्ट्रिप की, तो ये नाम नहीं भूलें, वी आर यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप. ओके, टू टाइप ऑफ स्ट्रिप वी विल यूज, और यहां हम बात करें वर्टिकल स्ट्रिप की. तो वर्टिकल स्ट्रिप आपको क्या कहती है कि इन वर्टिकल स्ट्रिप एरिया फाइंड आउट जब भी करना है आपको, तो यहां पे क्या लिखना है, वाई डी एक्स. एंड मैं जो यहां पे होगा ना, लाइक यहां पे आपको डी एक्स लिखा है, तो लिमिट किसकी आएगी, एक्स की आएगी. तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, एक्स की वैल्यू है ए से लेके बी तक. लॉजिक समझ में आया. तो जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर अ कर्व, सो यू हैव टू मेक अ स्ट्रिप दैट कुड बी वर्टिकल स्ट्रिप, एंड द स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी अलोंग द कर्व, सो इट डेफिनेटली कैलकुलेट द एरिया. ओके, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए टू बी y dx, हमेशा इसको याद रखें. ओके, चलिए आगे बात करते हैं. अभी क्वेश्चन से समझते हैं इसको कि किस तरीके से हम इस जो स्ट्रिप मेथड है इसका यूज कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन एन एग्जांपल, देखो आई हैव y इज इक्वल टू अंडर रूट x एंड x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट एरिया फ्रॉम ऑफ दिस कर्व रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट्स. ओके, तो आपको दो पॉइंट गिवन है, x की लिमिट आपको गिवन है, उसके रिगार्डिंग आपको एरिया कैलकुलेट करना है. तो लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर ऑफ इंक. नाउ सी, बट फर्स्टली आपको एक जो भी कर्व आपको गिवन होगा ना, पहले तो आपको उसको ड्रा करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्रा नहीं कर पाए, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि इसका कर्व कैसा बनेगा, तो माय डियर प्रॉब्लम रहेगी. और इसके लिए आप मेरा एक और लेक्चर मैंने बनाया, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे जो है ना कर्व ड्रा करने सिखाएं, दैट कर्व कैसा भी हो, द इक्वेशन कैसे भी हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, अंडर रूट वाली हो, लॉग वाली हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी इक्वेशन हो, उन सबको मैंने आपको ग्राफ बनाने सिखाए हैं, और वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे इस पूरे चैप्टर के लिए. तो लेक्चर वो वाला जरूर देखें गाइस.
तो देखिए सबसे पहले हमने एक मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना वो ड्रा कर लिए हैं, y एक्सिस एज वेल एज x एक्स। तो सबसे पहले क्या आपको ड्रा करना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट x। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x एक ग्राफ होता है कैसा, ये हमेशा क्या होगा, लेट मी ड्रा हियर, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ ड्रा होता है y इज इक्वल टू अंडर रूट x का। और यहां मैं एक बार आपको ग्राफ बनाने नहीं सिखा रहा हूं माय डियर, ग्राफ के लिए आपको ए वो वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां हम फिलहाल एरिया फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले आपने ग्राफ ड्रा कर लिया, एक लाइन ड्रा कर ली जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ व्हाट ही वांट एक्चुअली, ही वांट दैट यू शुड कैलकुलेट एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू एनी पॉइंट आई एम टेकिंग हियर, x इज इक्वल टू 2। So let me make a line here. This. So it means you have to calculate area of this part. Okay. यानी कि ये जो आपके पास curve आपको दिख रहा है उस curve के under जो area बचा और limit कहां से कहां तक limit आपको लेनी है, x is equal to 0 to 2. So it means जो हमारा part बनेगा, जो मैं इसको कहना चाहूं कि shaded part जो बनेगा, that could be like that. तो जल्दी से मैं थोड़ा इसको शेड कर देते हैं। तो ये जो पार्ट आपके पास बच रहा है माय डियर, इस पार्ट का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। एक सिर्फ एक एग्जांपल अच्छे से समझ लो, आप बिल्कुल विद इन अ फ्यू सेकंड्स क्वेश्चन को आराम से लगा लोगे, दैट इज माय गारंटी। ओके नाउ सी, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कर्व को ड्रा किया एंड आफ्टर ड्रॉइंग अ कर्व मैंने देखा कि x की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक मूव कर रही है। तो x की लिमिट मूव कर रही थी कहां से कहां तक, दैट विल बी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2। अब उसके बाद की जो हमारी बात है उस पर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रिप मेथड की। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जल्दी से यहां एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर लीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड की। तो ये स्ट्रिप मेरी थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनी, बट आपको गाइस स्ट्रेट स्ट्रिप ही बनानी है। ओके तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिप बना ली जल्दी से। अब ये स्ट्रिप क्या कर रही है और इस स्ट्रिप के लिए क्या करते हैं हम, दिस स्ट्रिप इज हैविंग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ dx, दैट इज द विड्थ ऑफ dx। तो ये जो स्ट्रिप है ये क्या करेगी, ये स्ट्रिप करेगी मूव यहां से लेफ्ट साइड पे और यहां से राइट साइड पे। ओके तो जब ये स्ट्रिप मूव करेगी यहां से अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है तो वो x इज इक्वल टू 0 तक जाएगी और यहां से कहां तक आएगी, x इज इक्वल टू 2 तक आएगी। और ये स्ट्रिप मूव करेगी अलोंग दिस कर्व, तो जब ये अलोंग दिस कर्व मूव करेगी तो इट मींस ये टोटल कैलकुलेट कर पाएगी अंडर दिस कर्व एरिया को। और हमने अभी पढ़ के आए कि एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या था गाइस, जल्दी से रिकॉल कीजिए, दैट एरिया अंडर अ कर्व। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट एरिया अंडर अ कर्व, so that we have a formula that was area is equal to integration of, मैंने कहा यहां पे लिखना आपको y dx, कब, जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो आपको y dx लिखना ही लिखना है, और जब यहां पे dx लिखोगे ना तो आपको ये भी समझना है कि x लिमिट किसकी आएगी, x जो यहां पे होता है ना, लाइक dx अगर यहां है तो लिमिट यहां पे x की ही आएगी। तो x की लिमिट देखिए क्या है, x की लिमिट है 0 से लेके 2 तक माय डियर, लॉजिकली। अब जल्दी से क्या कीजिए, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इट मींस लिमिट क्या है, 0 टू 2 है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x एंड हैविंग dx। थोड़ा और सिंपलीफिकेशन करके लिखते हैं इसको, 0 टू 2 और x के रूट को मैं लिख सकता हूं x रेज टू पावर 1/2 एंड dx। थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड हैविंग लिमिट दैट इज 0 टू 2 एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट यू विल सी इट्स बिकम्स 2/3 इनटू 2 रेज टू पावर 3/2। ओके एंड इट ऑल बिकम्स 2 रेज टू पावर 5/2/3 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लॉजिक समझ आया आपको,
तो आपको जब भी वर्टिकल स्ट्रिप की मैं बात कर रहा हूं ना, जब भी आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है माइडियर, तो वर्टिकल स्ट्रिप में आपको हमेशा क्या लिखना है, एरिया क्या होगा, वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। और अब बात करते हैं होरिजेंटल स्ट्रिप की। देखो होरिजेंटल स्ट्रिप कैसे लेनी है, तो जब भी आपके पास कर्व आ जाए कैसा, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो जब एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाला कर्व आपको मिल जाए तो उस केस में हम यूज करते हैं होरिजेंटल स्ट्रिप का। और यहां आप देखिए हम होरिजेंटल स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं। तो कर्व कैसा होगा, सबसे पहले तो आपको कर्व को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि कर्व कैसा है तो हम स्ट्रिप यूज कर नहीं सकते। तो माय डियर लेट मी चूज अ कलर ऑफ इंक। ओके नाउ यू कैन सी हमारे पास अब यूज कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। यहां पे आपको ये स्ट्रिप बहुत वाइड दिख रही है, बट इतनी वाइड स्ट्रिप अगर मैं एक्चुअल बात करूं इसके फिजिकल मीनिंग की तो ऐसा नहीं होता। आप ये समझिए कि आपने किसी एक रीजन के अंदर एक वायर को मूव करा दिया, एक बिल्कुल पतली तार को यहां से यहां मूव करवा रहे हो। ओके ऐसा सा कुछ स्ट्रिप होता है। ओके यहां तो आपको शो करने के लिए थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिप हम दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि और देखिए जब एक वायर, और जो लोग थोड़े कंप्यूटर फ्रेंडली हैं दे कैन इजिली अंडरस्टैंड ओके सो दिस योर स्ट्रिप इस विल मूव फ्रॉम हेयर, यहां तक इस तरफ आएगी और यहां तक इस तरफ आएगी। तो जब ये स्ट्रिप इस तरीके से मूव करेगी टोटल और इस कर्व के अलोंग मूव करेगी तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इस एरिया को कैलकुलेट कर पाएगी। और जब आप होरिजेंटल स्ट्रिप की बात करते हो तो आप एरिया क्या लिखते हो, आप लिखते हो एक्स डी वाई, और वहां हमने क्या लिखा था, वाई डी एक्स। तो जब भी आपने होरिजेंटल स्ट्रिप का कंसेप्ट यूज करना है, ध्यान दीजिए होरिजोंटल, सॉरी दैट इज होरिजोंटल स्ट्रिप। जब भी आप होरिजेंटल स्ट्रिप का यूज करोगे तो आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू एक्स डी वाई। और मैं आपको अभी बता के आया हूं कि यहां पे अगर डी वाई आएगा तो लिमिट किसकी आएगी, वाई की आएगी, वाई इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी। लॉजिक क्लियर? सो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट और बिल्ड होगा हमारा। अब देखिए मैंने वही सेम एग्जाम्पल ले लिया, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल से, कोई भी चेंज नहीं है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, मैंने भी इक्वेशन यहां पे क्या लिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, बट लिमिट यहां पे मैंने किसकी ली है, y की ली है। और आपको y एक्सिस से जो एरिया एनक्लोज्ड होगा इस कर्व का वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जल्दी से आप एक कर्व को ड्रा कर लीजिए। तो लेट मी ड्रा अ कर्व फर्स्टली। ओके तो कर्व हमने ड्रा कर लिया गाइस। अब क्या करते हैं, कर्व ड्रा करने के बाद सबसे पहले क्या लिखा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स को क्या बनाते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का एक कर्व ड्रा करते हैं। और मैंने आपको बताया कि कर्व ड्रा करने आपको आने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो मैंने सबसे पहले y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स एक कर्व को ड्रा कर लिया है, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए बात को समझें, अब वो चाहता है कि लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए y इज इक्वल टू वन। तो मान लेते हैं यहां पे क्या है, पॉइंट y इज इक्वल टू वन का है, ठीक है, यहां टू आ जाएगा और यहां मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू, और ये जो पॉइंट है ना ये शो कर रहा है y इज इक्वल टू थ्री का। तो इट मीन्स आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा यहां से लेके और यहां तक वाले पार्ट का। इट मीन्स ये जो आपको अब एक क्लोज्ड कर्व दिखाई दे रहा है, एक क्लोज्ड रीजन दिखाई दे रहा है, इस रीजन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ओके और एरिया कैलकुलेट मैं, लेट मी ड्रा दिस रीजन फर्स्टली। ड्राइंग मेरी थोड़ी ठीक ठाक सी है बट आई एम ट्राइंग आपको कुछ समझ में आ जाए बस, क्योंकि हमें मैथ में ड्राइंग करनी भी नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करना है और हमें क्वेश्चन निकालने हैं। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं उस लेवल तक, उस कंसेप्ट तक पहुंचा पाऊं। ओके देखिए अब जो रीजन आपको मिल गया, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब एक कर्व गिवन हो ना तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप स्ट्रिप यूज करोगे वर्टिकल या फिर स्ट्रिप यूज करोगे होरिजेंटल। अब हमने बात करी कि हम एक होरिजेंटल स्ट्रिप का यूज करने वाले ना, तो यहां पर मैं जल्दी से एक होरिजेंटल स्ट्रिप को ड्रा करता हूं। और ये मैंने एक होरिजेंटल स्ट्रिप ड्रा कर ली।
ओके दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, थोड़ा और इसको शेडेड कर लेता हूं मैं, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन गई। अब ये क्या होगा, ये स्ट्रिप मूव करेगी यहां से इस पार्ट तक और यहां से बिल्कुल इसके साथ होते हुए इस पार्ट तक आएगी, है ना। तो जब ये स्ट्रिप ऐसे मूव करने वाली है यहां से, सॉरी यहां नहीं आना, यहां तक आना आपको, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 तक है। सो थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा, बिकॉज हमने क्या लेना है, y इज इक्वल टू 1 तक लेना है। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट, ओके आई एक्चुअली इरेज कंप्लीट रीजन, चलो ओके। तो हमें y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 2 तक रहना था, सॉरी y इज इक्वल टू 3 तक रहना था। सो चलो मैं कहूँ तो मैं फिर से ड्रा कर देते हैं, देखिए जरा तो आपके पास था क्या एक्चुअली, देयर इज अ लाइन एंड दिस वन, दिस वाज योर कर्व जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था y इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x को, और आपको चाहिए था y इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से लेके आपको यहां तक का एरिया कैलकुलेट करना था। ओके तो अब मैंने आपको बताया कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। एरिया निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, आपको जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपने यूज करनी है तो आपने लिखना है यहां पे x dy, और लिमिट किस, यहां पे dy है तो लिमिट किसकी आएगी, y की, और y की लिमिट क्या है, 1 से लेके 3 तक। तो जल्दी से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 is to 3, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर एंड देन डी वाई, और यहां पे जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आई गॉट वाई क्यूब बाय 3, और यहां पे मैं लिमिट पुट कर दूंगा जल्दी से 1 to 3 एंड देन आई गॉट आंसर दैट इज 3 raised to power 3/3 एंड माइनस 1/3, तो कुछ ऐसा बच जाएगा 9 minus 1/3। तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आई गॉट 26/23 इज माय राइट आंसर। ओके सो लॉजिक समझे, आपको दो ही मेथड है गाइस, या तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप यूज करनी या फिर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करनी है, और वर्टिकल स्ट्रिप तब यूज करनी जब आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन हो, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको तब यूज करनी जब x इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन गिवन हो। लॉजिक क्लियर हुआ। अब बात यह आती है कि मान अब तक हमारे पास एक ही कर्व था, मान लो कि आपके पास कर्व दो होने लग गए, अब अगर डबल कर्व आ जाएगा तो आप डबल कर्व में किस तरीके से स्ट्रिप को यूज कर सकते हो, उस मेथड को हम यहां से समझते हैं। तो फर्स्टली लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक, ओके राइट, लेट्स सी नाउ। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास दो कर्व आ गए, है ना, तो टू कर्व्स जब भी एक रीजन बनाएंगे, जैसा मान लीजिए यहां पे मैं कहूं कि एक ये मेरे पास ये कर्व था जिसकी एक ये लाइन है, यू कैन सी दिस इज अ लाइन ऑफ अ कर्व, और एक मेरे पास था ये वाला कर्व, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों कुछ रीजन पार्ट बना रहे हैं जो कि ये आपको शो हो रहा है। तो अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने क्या करा, कोई भी स्ट्रिप आप यूज कर सकते हो, आप चाहें तो वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर लें, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करें, जैसे यहां पे मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप यूज किया है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वर्टिकल स्ट्रिप ही यूज करनी है। तो मैंने यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ली है, और जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, अब वर्टिकल जब भी स्ट्रिप लोगे तो आपको यूज करना होगा डबल इंटीग्रेशन। ओके सो आई एम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, और यहां पे आप लिखोगे 1 और यहां लिखोगे dx और या फिर dy एंड dx, कोई कुछ भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो dy, अगर यहां y है तो यहां y की लिमिट आएगी, y इज इक्वल टू a टू b, और यहां उसके बाद x है तो यहां x की लिमिट आएगी, मान लो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू c टू d। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रल, और आल्सो इट इज अ कंसेप्ट ऑफ एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स,
लॉजिकली हुआ. एंड सेकंड वन, जरा थोड़ा सा आप बिल्कुल बिलो पार्ट पे यहां आइए और ये चीज देखिए. हमने ये मेथड सीख रखा है कि अगर आपके पास दो कर्व हो तो पहले कर्व में से दूसरे कर्व को माइनस कर दीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको वैल्यू मिल जाती है, यानी कि आपको एरिया मिल जाता है. बट माय डियर, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को ये जो पार्ट है इस तरीके से ना तो लिमिट पता चलती है, लिमिट आपको क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, और यानी कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो इस मेथड से टिपिकल्स हो जाते हैं. और मैं अब आप इस अप्रोच को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको डबल इंटीग्रेशन यूज करना है और आपको एरिया कैलकुलेट करना है. और जल्दी से इसको नोट कर लें पहले कि जब भी आपके पास दो कर्व्स होंगे तो आपको डबल इंटीग्रेशन लिखना है. और डबल इंटीग्रेशन में क्या लिखना है, 1 into dy dx, जो पहले आएगा पहले पाएगा. dy पहले आया तो y की लिमिट, dx बाद में आया है तो बाद वाले में x की लिमिट. लॉजिक क्लियर हुआ? सो राइट नाउ जस्ट टेक अ एग्जांपल एंड देन सी द कंसेप्ट, इसको थोड़ा अच्छे सीखते हैं. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, और इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज शो रही है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास y² = 4ax and x² = 4ay. ओके, सो फर्स्टली मैंने आपको पहले भी बताया कि द मेन थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू ड्रा अ कर्व, बिकॉज जब तक हमें कर्व ड्रा करने नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी. तो लेट मी ड्रा अ कर्व फर्स्टली. अगेन आई हैव ए सच कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज वाई एंड इट इज माय एक्स एक्सिस. ओके, सो यहां आपको ना दो कर्व्स गिवन है. एक आप देख सकते हो y² = 4ax की फॉर्म में है और एक x² = 4ay की फॉर्म में है. और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये कर्व बनाने आपको मेरे उस लेक्चर से सीखने होंगे. अगर आपको नहीं वो लेक्चर मिल रहा तो कमेंट में जरूर डाल दीजिए, आई विल गिव्स यू अ लिंक. और आई विल और फिर भी समझ में नहीं आता तो वी कैन मेक अ न्यू वीडियोस फॉर स्पेशली फॉर द ग्राफ्स. नाउ सी, मुझे यहाँ पे दो ग्राफ ड्रा करने हैं, तो एक y² = 4ax और एक है x² = 4ay. तो जल्दी से इस ग्राफ को ड्रा करते हैं. तो पहला ग्राफ देखिए किस तरीके का बन सकता है. मान लेता हूं मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इट्स रिप्रेजेंटिंग टू अ पैराबोला. ओके, तो दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ. ओके, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड ग्राफ? सेकंड ग्राफ कुछ आपका बनने वाला है ऐसा. क्योंकि देखिए जब भी वाई स्क्वायर की फॉर्म होती है तो पैराबोला हमेशा क्या बनता है, राइट हैंडेड पैराबोला होता है. यानी कि ये आपका y² = 4ax का पैराबोला है. जब अपवर्ड पैराबोला होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, x² = 4ay का पैराबोला होता है. हमेशा याद रखें, जब वाई स्क्वायर की फॉर्म है तो राइट हैंडेड पैराबोला बनता है, जब x² की शेप है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, जब x² माइनस का आ जाएगा तो लोअर पैराबोला, और जब y² माइनस का आ जाएगा तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. नाउ पॉइंट इज दैट अब जो आपके पास आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है और वो क्लोज रीजन दिखाई दे रहा है आपको, तो इट मींस कहीं ना कहीं आपको जो ये क्लोज रीजन दिखाई दे रहा है ना, इस क्लोज रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस क्लोज रीजन. सो फर्स्टली लेट मी ड्रा दिस क्लोज रीजन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन डियर. तो हमें इस वाले रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है. बड़ा इत्मीनान से एक क्वेश्चन को समझ लो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला, कितना भी डिफिकल्ट हो एरिया से रिलेटेड. बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अब देखिए ये मेरे पास क्या है, एरिया, एक बाउंडेड रीजन आ गया जिसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है. और मैं यहां अगर बात करूं कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, डेफिनेटली दिस पॉइंट इज x = 0. और अब मुझे थोड़ा सा आइडिया ये भी लगाना है कि ये पॉइंट भी मुझे निकालना होगा
कि ये पॉइंट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू देने वाला है. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट हेयर. ओके, अब ये क्यों निकालना है. एक्चुअली व्हाट आई वांट, मैं यहां पे मैंने कहा कि आपके पास दो ही स्ट्रिप्स हैं, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल. तो अब आपको जोन सी स्ट्रिप अच्छी लगती है उस स्ट्रिप का यूज कर सकते हो. अब मान लीजिए मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं एक वर्टिकल स्ट्रिप का, तो मैंने जल्दी से यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करी. यू कैन सी हियर, तो चलिए वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा हुई आपकी. ओके, जिसका एक एंड पॉइंट है उस कर्व पे और दूसरा एंड पॉइंट है इस कर्व पे, और मैंने कहा कि वर्टिकल स्ट्रिप क्या करती है, मूव करती है इस साइड से लेके इस साइड तक. तो जब ये यहां मूव करेगी तो इस पॉइंट तक आएगी, और जब ये यहां से मूव करेगी तो इस पॉइंट तक आएगी. तो इट मींस यहां से लेके यहां तक इस वर्टिकल स्ट्रिप को क्या करना है, मूव करना है. बट ये स्ट्रिप आपकी क्या करेगी, इन कर्व्स के ऊपर रहने वाली, इससे बाहर तो जा नहीं सकती. अब बात यह कि जब ये स्ट्रिप इस तरीके से मूव कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू नो एंड दैट इज द पॉइंट हियर, यहां वो किस पॉइंट तक मूव करेगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो तक, ये तो बिल्कुल पता है. यहां ये स्ट्रिप किस पॉइंट तक मूव करेगी ये हमें नहीं पता, तो हमें इसको कैलकुलेट करना होगा. तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं. ये देखिए ये क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका हमने सीखा हुआ है कि मान लीजिए आपको क्या गिवन है, एक आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब जरा दूसरी क्वेश्चन में चलते हैं, और दूसरी क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो मैं इस y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर बाय 4a हैविंग होल स्क्वायर. मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4ax. सो लेट मी कैलकुलेट नाउ, इट विल गिव्स यू x रेज टू पावर 4 एंड इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 16a स्क्वायर इनटू 4a एंड x. लॉजिक क्लियर. अब देखो एक x तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, तो यहां रह जाएगा x क्यूब, और 16 4 जा, दैट इज 64a क्यूब. सो इट मींस x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माय डियर, 4a, क्योंकि ये भी 4 का क्यूब है. तो इट मींस हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया क्या, x इज इक्वल टू 4 ऑफ a. तो ये बात तो श्योर कि आपके पास ये जो पॉइंट है ये क्या आएगा, 4a आएगा. लॉजिक क्लियर हुआ. सो आपको दो पॉइंट मिल गए हैं कि जो स्ट्रिप है ना आपकी वो मूव करेगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि आपको एक्स की लिमिट तो मिल चुकी है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप में आपको एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी ही होगी, बिकॉज वर्टिकल स्ट्रिप में एक्स की लिमिट जरूरी है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपको वाई की लिमिट जो है ना वो डेफिनेटली फाइंड आउट करनी होगी. तो नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब मैंने कहा कि एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला भी आपको बताया, दैट एरिया ऑलवेज इक्वल टू व्हाट. आपको क्या करना है, आपको यूज करना है डबल इंटीग्रेशन. हियर आई एम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, एंड यहां आपको लिखना है 1 इनटू dy इनटू में dx, दैट्स ऑल. ओके, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एरिया. बट पॉइंट इज दैट कि यहां आपको लिमिट लिखनी है, यहां आपको लिखनी है y की लिमिट और यहां लिखनी है x की लिमिट, क्योंकि पहले y है तो y की लिमिट लिखी जाएगी, और बाद में x है तो x की लिमिट लिखी जाएगी. अब लिमिट कैसे लिखते हैं देखिए जरा. सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, x की लिमिट की, और x की लिमिट की आपको सीधी सी बात समझ में आ रही है कि x कहां से कहां तक मूव कर रहा है, 0 टू 4a तक, बात ही खत्म हो गई. x इज मूविंग फ्रॉम 0 टू 4a, लॉजिक क्लियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सी अब क्या करना है, y की लिमिट, y की लिमिट आपको यहां देखिए, जो इसका अपर पार्ट होता है ना और जो इसका लोअर पार्ट होता है, इस पे फोकस कीजिए. जो ये स्ट्रिप है इसका अपर पार्ट कहां पे है, अपर पार्ट है इस पैराबोला पे. लॉजिक क्लियर है, इस पैराबोला पे y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 4ax. इस पैराबोला पे y की लिमिट क्या, y की वैल्यू, यानी कि यहां y की वैल्यू तो लिखनी ना आपको, तो इट मींस अपर जो इसका पार्ट है वो बताता है अपर लिमिट. तो अपर लिमिट क्या बन गई, अंडर रूट 4ax. गेटिंग माय पॉइंट नाउ. एंड नाउ टॉक अबाउट लोअर लिमिट.
लोअर लिमिट की बात करें तो इसका लोअर पार्ट देखिए कहां पे है, वो इस वाले कर्व के ऊपर है, और इस वाले कर्व में y की वैल्यू क्या है। अब इस वाले कर्व में मैं y की वैल्यू यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू क्या आएगा जल्दी से देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर वाई में 4a आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई में 4a। तो आपको ये भी मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर वाई में 4a। क्लियर लॉजिक। तो स्ट्रिप मेथड आपको ये बताता है कि आपको x की लिमिट तो डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है, और जो y का कंसेप्ट है ना उसमें सिंपल सी बात देखनी है कि उसका जो अपर पार्ट है वहां पे y की वैल्यू क्या है, और जहां उसका लोअर पार्ट है वहां पे y की वैल्यू क्या है। तो जो लोअर पार्ट पे y की वैल्यू है वो लोअर लिमिट होती है, और जो अपर पार्ट पे y की वैल्यू है वो अपर लिमिट होती है। लॉजिक क्लियर हुआ। अब देखिए हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट एरिया इज इक्वल टू हमारे पास बन गया क्या, एक्स की लिमिट क्या बनी 0 to 4a, और वाई के लिए अगर बात करें तो ये क्या बन गई थी, लेट मी सी, एक्स स्क्वायर बाई 4a। यहां क्या बना, एक्स स्क्वायर बाई 4a, और यहां बना माय डियर आपके पास अंडर रूट 4ax, एंड हियर यू कैन राइट आउट 1dy एंड dx, और इसका इंटीग्रेशन करना आई होप सो सबको आता है, बट फिर भी मैं यहां पे कैलकुलेट करने की ट्राई करता हूं, और आप भी प्लीज जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज इंटीग्रेशन हमने बहुत किया है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज y, और y की लिमिट कहां से कहां सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, दैट इज फ्रॉम एक्स स्क्वायर बाय 4a टू 2 अंडर रूट ए एक्स, लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 4ax को मैं ये भी लिख सकता हूं, और यहां रह जाएगा आप क्या dx, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव आप कर चुके, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 का क्या होगा, y होगा, और उसकी लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। नाउ सी, लिमिट रह गई आपकी 0 to 4a, और जब हमने इसकी y की लिमिट पुट करी तो आपको क्या मिला, 2 अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a। लॉजिक क्लियर हुआ, राइट गाइज, एंड dx। Now again you have to find out integration with respect to x. So let's see the integration of 2 under root a ka main kuch nahi kar sakta, but root x ka derivative integration kya hoga, that is x raised to power 3 by 2 by 3 by 2, clear, minus x square ka integration, that is x cube by 3, and but into 1 by 4 is remain same. So my dear, this was your integration and you have to substitute limit from 0 to 4a. Now jaldi se aap is limit ko substitute kijiye and then you got the answer. To ek last step main likh raha hu, into aayega kya 2 by 3, and here you have to write out 4a raised to power 3 by 2 minus, and here you have to write out 4a power 3 by 12a, ओके, एंड माइनस बाकी सारे का सारा काम क्या हो जाएगा, जीरो। अब जो ये पार्ट आपका बचा है इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, एंड आई होप सो कि जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उन सबको ये कैलकुलेशन तो भाई आती होगी, तो जल्दी से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस कंसेप्ट। सो ये कंसेप्ट था किसका, बाउंडेड एरिया का, यानी कि एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व्स, और टू कर्व्स जब भी कोई एरिया को बाउंड करेंगे, कोई एक रीजन बनाएंगे, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें आपके पास टू कर्व्स हैं, और आपको ध्यान सिर्फ इस बात पे देना है कि आपकी जो लिमिट है वर्टिकल स्लिप, आपको मैं आपको ये और सजेस्ट करूंगा कि आप 90% केसेस में ना वर्टिकल स्लिप का ही यूज कीजिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए, एक रीजन बनाइए, वर्टिकल स्ट्रिप लिखिए, और वो एक्स की लिमिट से कहां तक कहां मूव हो रही है पहले तो ये फाइंड आउट कर लीजिए, और दूसरा तो कुछ फाइंड आउट करना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका अपर पार्ट में वाई की वैल्यू गिवन होती है, लोअर पार्ट में वाई की वैल्यू गिवन होगी। तो डबल इंटीग्रेशन 1dy dx लिखना है और आपको एरिया मिल जाएगा। सो बड़ा इजी सा कंसेप्ट था। तो अब आप जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड देन लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको कंसेप्ट पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन और मिले मुझे, और मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं और अच्छे से कंसेप्ट आपको समझा सकूं। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।